आई एम श्योर आपने मेरी वो फूड ब्लॉगर्स एक्सपोज वाली वीडियो देखी होगी, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा व्यू है, तो ऑफ कोर्स आपने देखी ही होगी। देखिए कहानी मैं आपको कुछ बताता हूँ। दरअसल मेरे को जो वीडियो में सरदार जी है उनका मैसेज आया, सहज अरोड़ा उनका नाम था। मैसेज में उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर सच्चाई का पता ना हो तो कुछ भी बोल दो, क्योंकि कॉन्टेंट चाहिए। अगर इतना ही सच दिखाना चाहते हो तो पब्लिक अकाउंट है, मैसेज करके दोनों से सच्चाई जान सकते थे। जजमेंट देना बहुत ईजी है, ग्राउंड पे आके बातों को देखना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने बोला क्योंकि कॉन्टेंट चाहिए, कॉन्टेंट तो सभी को चाहिए, कॉन्टेंट तो एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, लर्निंग के लिए भी चाहिए, और आपकी जो वीडियो पॉपुलर हुई थी वो भी एक कॉन्टेंट ही था। उसी की वजह से आपका शॉप इतना फेमस हुआ, उसकी वजह से आपको फॉलोअर्स मिले, उसी की वजह से आपका गाना आया। फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक अकाउंट है, दोनों को मैसेज करके पूछ सकते थे। इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, अगर मैं इनको मैसेज करता तो रियलिटी में आपको लगता है कि ये मेरे को आंसर करते? 1,500 डीएम बहुत पहले से पड़े होते हैं जिन लोगों के अकाउंट में फॉलोअर्स आते होते हैं, और ये मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर मैंने इन्हें रिप्लाई किया, हेलो भाई हाउ आर यू। ये गलती मैंने नहीं की, इन्होंने कोई हाय हेलो नहीं बोला था, लेकिन मैंने ये गलती नहीं की। आगे मैंने इनको रिप्लाई दिया कि भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, अगर आपके जवाब मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगेंगे आई विल पुट द वीडियो डाउन एंड आई विल अपोलोजाइज पब्लिकली। उसके बाद मैंने इनसे सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल सिंपल था कि नीरू बाजवा ने जब इनके कुल्हड़ पिज्जा में बोला था कि इट हैज जीरो कार्ब्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल, कुल्हड़ पिज्जा को आप चाहे किसी भी फ्लोर से बनाओ, मैदा आटा कुछ भी बनाओ, दोनों में ही कार्ब्स की गिनती बहुत ज्यादा होती है, और ये मैं एक न्यूट्रिशन कोच होने के नाते मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आगे मैंने काफी और भी सवाल पूछे, फिर इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि दिस इज माई नंबर, हम कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी कॉल किया नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं जान के क्या करूंगा। जानना इंपॉर्टेंट था क्राउड का, जिन्होंने पहली वीडियो देखी और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। इनकी जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं हुई थी, उसके अलावा भी मनोज भाई जो पॉपुलर हुए थे उनकी भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। जब कहीं पे ऐसी पॉपुलैरिटी आएगी तो भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ इकट्ठा होगी तो उसके आसपास की दुकानों को प्रॉब्लम होगी। फूड ब्लॉगर्स एक जगह पे किसी की दुकान को चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे दूसरे की दुकान को नीचे भी तो ला रहे हैं। लेट सपोज आप किसी शॉप का या उस प्लेस के फूड वेंडर से प्रमोट करते हो, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसके आसपास रहते हैं वही उनकी मेजर क्राउड बनेगी। फाइनली चाहे मैं कितनी भी इंस्टाग्राम पे उनकी पॉपुलैरिटी देख लो, मैं यहाँ गुड़गांव से वहां तक नहीं जाने वाला हूँ। उनका जो क्राउड है वो वही है जो वहां पे रहता है, अगर वहां का क्राउड उनके पास आएगा तो कहीं ना कहीं से हटके आएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई फूड ब्लॉगर्स को आप इतना हेट क्यों करते हो? मैं हेट नहीं करता हूँ, मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। यूट्यूबर उसकी वीडियो बना रहा है, उस यूट्यूबर के पास जितना पैसा वो कमा रहा है उतना वो ठेले वाला नहीं कमा पाएगा। हो सकता है वो ठेले वाला 4-5 लाख रुपए उस पर्टिकुलर सेशन से कमा ले जिसमें वो पॉपुलर होने वाला है, लेकिन समझदार बंदा ये जरूर जानता है कि उसका जो क्राउड है वो हमेशा नहीं रहने वाला है, क्योंकि उस प्रमोशन से जो क्राउड आई है वो बहुत बाहर की आई है, और वहां की जो क्राउड है वही वहां पे खाई है, और टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो ज्यादा देर तक वहां पे स्टक नहीं करेंगे। फूड ब्लॉगर्स एक वीडियो शूट करते हैं, शूट करने के बाद उसे वीडियो पे अपलोड करते हैं, उस पर एड रन होता है और उनका होता है रेवेन्यू क्रिएट। मेरी इस वीडियो पे भी अगर व्यूज आए तो रेवेन्यू क्रिएट होगा, दिस इज अ फैक्ट एंड आई टोटली एक्सेप्ट इट। लेट मी टेक यू मोर क्लोजर टू द ट्रुथ। कभी आप अपनी ईमेल आईडी से कोशिश करना, जो भी फूड ब्लॉगर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होते हैं उनके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, उनको ईमेल करना कि भाई मेरी यहाँ पे शॉप है आप आ सकते हो क्या, जो भी आपके चार्ज है मैं देने को तैयार हूँ। आप देखना आपको कितने रिप्लाई बैक आते हैं, और वो लोग अपने चार्जेस लिख के भेजेंगे, जिससे ये पैसे लेंगे उसका तो प्रमोशन करेंगे और उसका टेस्ट अच्छा बताएंगे। हमें अच्छे फूड और टेस्टी फूड को एक्सप्लोर करना था, वो एक्सप्लोर कैसे होगा अगर पेड और अनपेड वीडियोस ये दोनों क्रिएट करते रहेंगे साथ में? तो वायरल होने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक गरीब भाई को उठा लो, एक कैमरा उठा लो और अपना एक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल बना के उस पर अपलोड कर दो। कांग्रेचुलेशन, आपकी एक वीडियो वायरल हो चुकी है। कितने फ्रीक्वेंटली आपने देखा है कि कोई फूड ब्लॉगर किसी सिंपल से रेस्टोरेंट पे जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सिंपल वो आपको अपने टेस्ट में लुभाना चाहता है, मतलब और उसके पास कोई और एबिलिटी नहीं है आपको खुश करने के लिए, लेकिन टेस्ट अच्छा देता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। जब पाजी वायरल हो रहे थे तो पाजी ने उसका खूब मजे लिए, पाजी ने उसका खूब पॉपुलैरिटी कमाई, कस्टमर्स उठाए, लेकिन पाजी को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया जितना प्यार देता है ना उससे कहीं ज्यादा हेट देता है। जब ये पाजी को पता चला तो फिर पाजी ने शूटिंग बंद करवा दी। हेलो पाजी, कैसे हैं आप? नहीं, वीडियो अलाउड नहीं है। बंद कर रखी है। फिर ये पकड़ लेते हैं ठेले वालों को, जो मैंने अभी बताई कि किसी गरीब को पकड़ लो और फिर कैमरा उठा लो, लेकिन गरीब को पकड़ने में एक प्रॉब्लम है। आप किसी भी ठेले वाले को प्रमोट करते हो, उसे वायरल करते हो, तो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जरूर वहाँ पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है, उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास कोई फूड लाइसेंस नहीं है। मोस्टली कोई भी फूड वेंडर ऐसी इस टाइप की फूड ब्लॉगिंग वीडियो के बाद 4-5 लाख रुपए का एक सेशन लगाएगा। अगर गलती से भी किसी ने कंप्लेन की फूड लाइसेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कोई भी चीज की, कोर्ट के इतने चक्कर इन लोगों को लगाने पड़ेंगे जितने उन्होंने कमाए नहीं होंगे उस आंधी में जो उनके प्रमोशनल वीडियो के बाद मिली। रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे एक एलईडी में एक फूड ब्लॉगर की, पॉपुलर फूड ब्लॉगर है, मुझे नाम नहीं पता, कि वीडियो चल रही थी एलईडी में और कंटिन्यूअसली चल रही थी। एक स्मार्ट बिजनेसमैन यही करेगा। तो पता है कि कोई भी फूड ब्लॉगर आता है वो उसको प्रमोट करता है, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। स्मार्ट बिजनेसमैन उनको बुलाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और एक एलईडी स्क्रीन पे चला देते हैं, आपने देखा भी होगा। अब वो वीडियो चलती रहेगी जब तक वो फूड ब्लॉगर चल रहा है, और वो अपनी कमाई करते रहेंगे। ये ठेले वाला नहीं कर सकता, ये गरीब नहीं कर सकता, ये नॉर्मल शॉप वाला भी नहीं कर सकता। फाइनली फायदा किसका हुआ है? या तो फूड ब्लॉगर का या फिर स्मार्ट बिजनेसमैन का। ठेले वाले तो वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था, और ये हालात आपने देख भी चुके हो आप। बाबा का ढाबा ले लो, और भी बहुत सारे ठेले वाले पॉपुलर हुए थे जो जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए।